और नितिन जी बहुत विजनरी सोच के व्यक्ति और बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि नितिन जी के साथ करके काम करके और प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब को भारत में ले जाना चाहते हैं भारतवर्ष को, उसको हम बहुत जल्दी सड़क मंत्रालय जो कि भारत का डिफेंस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जिसका बजट है प्रोविजन है 3 लाख करोड़ का बजट है, तो इसलिए उसको हम आने वाले समय के अंदर और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, भारतवर्ष में रहने वाले सभी राज्यों को सभी लोगों को सड़कों का बहुत अच्छा लाभ मिले, यहाँ की जनसंख्या के अनुसार हमारी सड़कें बने। मैं इसलिए दोबारा जोड़ रहा हूँ कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है तो गाड़ियां भी बहुत है, तो उस हिसाब से हमारी गाड़ियां और बढ़नी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मुझे लगता है कि हम आने वाले समय के अंदर नितिन जी और प्रधानमंत्री जी जो जिस दिशा में चल रहे हैं वह काम को हम पूरा करेंगे। मेरे को जब ये दायित्व सड़क एवं परिवहन मिला तो स्वयं मैं दिल्ली से लेकर के हल्द्वानी और हल्द्वानी से सीधे टनकपुर पिथौरागढ़ होते हुए लीपू लेक तक सड़क मार्ग से ही गया, और दूसरा काम मैंने ये किया कि उस टूर को करने के बाद तुरंत मैंने बद्रीनाथ और माणा तक मेरा जाने का सौभाग्य मिला। तो मुझे 2-3 चीज अच्छी लगी कि सड़क तो हमने पहुंचा दी, अच्छी सड़कें पहुंचाई है, मगर यह है कि सड़क बनने के बाद भी बहुत सारा हमारा पहाड़ी क्षेत्र से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान होने का कारण क्या है कि हमने रोडें काटी हैं, फ्रेश रोडें कटी हैं, और कुछ जगहों पर अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप बिना विस्फोट के रोड्स बनाएं, क्योंकि विस्फोट डालने के बाद क्या होता है कि पहाड़ों के अंदर दरारें पड़ती हैं और पानी पहुंचने के बाद उसका नुकसान होता है, मगर मुझे लगता है कि अब हमारी लगभग ये सारी चीजें पूरी हुई हैं, सड़कों का अंतिम गांव तक पहुंचना सफल हुआ है, चाहे माणा अंतिम गांव है चाहे आदि कैलाश गांव नहीं है मगर अंतिम गांव गुंजी और कुट्टी है, वहां तक हमारी सड़कें पहुंची, जोलिंगकोंग तक सड़कें पहुंची हैं, तो ये सड़कें तो हमने पहुंचाई हैं, मगर ये भी जरूरी है कि हमको अच्छी कनेक्टिविटी देंगे तो तभी हम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि फिर अभी मैंने कहा 2.5 घंटा, तो मैंने कहा ये अगर आप देहरादून के अंदर भी देखो तो आपको कई घंटे लग जा रहे हैं, रोडों की आपकी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको एक समस्या का समाधान और दे रहा हूं मैं, करीब 52 किलोमीटर का हम देहरादून के बाहर बाहर एक रिंग रोड बना रहे हैं, और करीब करीब 42 किलोमीटर का एक रोड हम बनाने वाले हैं जो देहरादून को बाईपास करते हुए मसूरी तक जाएगा। और यही नहीं कि आपको सबसे बड़ा हमको एक प्रॉब्लम रहती है कि हमने बहुत अच्छा ऑल वेदर रोड बनाया है, लाखों श्रद्धालु आज हमारे चारधाम को आते हैं, और लोकल का प्रेशर भी बहुत रहता है। अच्छी सड़क बनने के कारण से कुमाऊं के लोग भी, बागेश्वर, कपकोट, बैजनाथ और अल्मोड़ा के लोग भी इसी ऋषि कर्णप्रयाग होते हुए ऋषिकेश तक आते हैं, और होता क्या है कि ऋषिकेश में आकर जाम में फंस जाते हैं और घंटों फंसते हैं, आप में से बहुत लोग फंसते होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।